सरकार ने 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगवाने की मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के बाद अब सबसे बड़ी चुनौती वैक्सीन उपलब्ध कराना है। फिलहाल जो सप्लाई है उसे तो फ्रंटलाइन वर्कर्स समेत 45 साल से ज्यादा उम्र वालों का भी वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है। अगले महीने से देश में 18 साल से ज्यादा उम्र के हर व्यक्ति को वैक्सीनेशन कराने की मंजूरी मिल गई है। इसके लिए वैक्सीन की डोज मुहैया कराना सबसे बड़ी चुनौती होगी। ऐसे में सरकार ने अमेरिका, जापान, यूके और यूरोपीय यूनियन के साथ ही WHO से मंजूरी हासिल कर चुके वैक्सीन को आपात मंजूरी देने का फैसला किया है। हालांकि वैक्सीन केंद्र सरकार नहीं खरीदेगी, लेकिन राज्य सरकारें और प्राइवेट अस्पताल इन्हें खरीद सकेंगे। यानी अगर लोगों को मॉडर्ना, फाइजर के साथ कोई और वैक्सीन लगवानी है तो 1 मई के बाद निजी अस्पताल में उसका इंतजाम हो सकता है। लेकिन असली पेच यहीं से शुरू होता है। दरअसल कई राज्यों के पास वैक्सीन के डोज ही नहीं है। ऐसे में 1 मई के बाद 18 साल से ऊपर के लोगों को लगाने के लिए वैक्सीन की सप्लाई का इंतजाम कैसे किया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। सरकार ने कुछ राज्यों की मांग पर ये फैसला भले ही ले लिया हो, लेकिन सबके लिए वैक्सीन डोज मुहैया कराना फिलहाल बेहद मुश्किल रहने वाला है। इसे मुश्किल काम क्यों कहा जा रहा है, ये समझने के लिए कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। 19 अप्रैल की सुबह 8 बजे तक 12.38 करोड़ डोजेज दिए जा चुके थे। इनमें से 10.73 करोड़ पहले डोज हैं और 1.64 करोड़ दूसरे डोज हैं। जनगणना के आंकड़ों के हिसाब से हेल्थ केयर, फ्रंटलाइन वर्कर्स और देश की पूरी 45 प्लस आबादी को वैक्सीनेट करने के लिए फिलहाल करीब 46 करोड़ वैक्सीन डोज और चाहिए। यानी मौजूदा मंजूरी के हिसाब से लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए अभी इसकी बड़ी सप्लाई की जरूरत है। वैक्सीनेशन की रफ्तार से ही इसकी सप्लाई में कमी का अंदाजा आसानी से हो जाता है। 1 अप्रैल से वैक्सीनेशन की रफ्तार में तेजी आने के बावजूद 5 अप्रैल को सबसे ज्यादा रिकॉर्ड 45 लाख डोज दिए गए थे, लेकिन इसके बाद से औसतन 30 लाख डोज ही रोजाना दिए जा रहे हैं। वैक्सीन की कमी की वजह से ही इस आंकड़े में लगातार कमी आई है, जबकि कोरोना के बढ़ते मामलों के हिसाब से वैक्सीनेशन के नंबर बढ़ने चाहिए थे। वैक्सीनेशन के मौजूदा हालात ऐसे हैं कि कई शहरों में वैक्सीनेशन सेंटर पर लोग जाते तो रहे हैं, लेकिन वहां डोज है ही नहीं। वैक्सीन के डोज की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने 12 अप्रैल को रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी को मंजूरी दी। साथ ही विदेशों में मंजूरी हासिल कर चुकी वैक्सीन कंपनियों को भी भारत ने डोज मुहैया कराने की अपील की। इसके लिए मंजूरी प्रक्रिया को भी तेज बनाने का काम किया गया। कोविड-19 का वैक्सीन बाहर के देश में विकसित हुआ है और वो जो क्रेडिबल रेगुलेटर हैं देशों के, FDA है अमेरिका का, EU का EMA है, UK का जो है EMRA है, इसी प्रकार जापान का है, और इसके अलावा अगर WHO के इमरजेंसी यूज लाइसेंशर में इंक्लूड हो गया, अगर ये इनमें से किसी में भी इंक्लूड हो गया है, तो उस वैक्सीन को हम देश में ला सकते हैं और ट्रायल करने की ज़रूरत एज अ प्री कंडीशन नहीं होगी। यानी नई कंपनियों की वैक्सीन भारत आने तक हालात में सुधार की उम्मीद नहीं है। फिलहाल भारत में वैक्सीनेशन की बागडोर एस्ट्राजेनेका के हाथों में है। इस समय भारत में जितने भी डोज दिए जा रहे हैं उनमें 91% हिस्सेदारी कोविशील्ड की रही है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी SII ने बनाया था। अब कच्चे माल की कमी की वजह से SII भी प्रोडक्शन नहीं बढ़ा पा रहा है। वहीं भारत बायोटेक को भी प्रोडक्शन तेज करने में मुश्किल हो रही है। सरकार